पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां पर चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हुआ। घायल बदमाश पहले से भी हत्याकांड में वांछित चल रहा है। इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा बदमाशों के मूवमेंट की सूचना मिली थी पुलिस को, और सूचना के बाद जिले के सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस चेकिंग कर रही थी। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। देखिए, इंटेलिजेंस थी हमारे पास कि कुछ संदिग्धों का मूवमेंट आज जनपद में हो सकता है। इसी के चलते गहन चेकिंग कराई जा रही थी। जैसा कि आपने देखा होगा, मुगलसराय में भी, बलुआ में भी तथा अन्य सभी अधिकतर थाना क्षेत्र में चेकिंग कराई जा रही थी। उसी चेकिंग के चलते ये जो रोड है जो टांडा कला से मजदहा की तरफ जाती है, यहाँ पर चेकिंग के समय दो संदिग्ध जो हैं वो पुलिस पार्टी को देख करके और भागने लगे। जब उनका पीछा किया गया, जब उन्होंने अपने आप को घिरते हुए देखा, तो फिर पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया। उसमें से तब आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी उन पर फायर किया। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में कामयाब रहा। दूसरा व्यक्ति जो है वो फायर शॉट से उसको इंजरी हुई है। और जो अभी मौके पर हम लोग हैं, मौके पर जो पूछताछ हुई, जो बात उससे जानकारी हासिल की गई, उसमें यह पता चला है कि यह व्यक्ति एक हमारे पूर्व के मर्डर केस का वांछित था, इनामी है, जिसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम था। उसको गोली लगी है और वो इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसे भेजा गया है, जहाँ पर इलाज के बाद उससे और पूछताछ की जाएगी। कोई पुलिसकर्मी घायल होने की सूचना? पुलिसकर्मी में एक सिपाही है जिसको चोट लगी है, वो भी इस समय इलाजरत है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे चूँकि ये हमारा एक वांछित है, तो इसलिए इसको मुकदमे में इसको इंक्लूड करके और फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसको जेल भेजा जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।